नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से, जहां सीतापुर के ब्लॉक पहला के अंतर्गत ग्राम पंचायत संसारपुर मीरनगर की गौशाला में काम करने वाले श्रमिकों को समय से मानदेय न मिलने पर ब्लॉक पहला परिसर में श्रमिक धरने पर बैठे, जिसमें विशाल कुमार, देवी दयाल, जगदीश प्रसाद समेत कई श्रमिक धरने पर बैठे। वहीं मीडिया टीम के सदस्य ने जब धरना एवं नारेबाजी कर रहे श्रमिकों से जानकारी की तो सभी श्रमिकों ने एक बात बताई कि हम सभी लोगों को लगभग 24 महीने से मानदेय नहीं मिला। वहीं धरना दे रहे श्रमिकों ने पहले संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। धरने पर बैठे श्रमिकों से कोई भी अधिकारी कर्मचारी धरने पर बैठे श्रमिकों की समस्या जानने के लिए ब्लॉक पहला परिसर में नहीं पहुंचा, मगर श्रमिकों का धरना प्रदर्शन सुनकर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष विनय कुमार यादव द्वारा श्रमिकों को उचित न्याय दिलाने हेतु धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख के द्वारा काफी समझाने के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कराया गया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से संतोष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। कक्ष में ताला पड़ा हुआ है, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों के कक्ष में ताला पड़ा हुआ है और हम सभी लोग जो हमारे सहयोगी तमाम संख्या में आप पीछे बैठे देख रहे हैं 24 घंटे से लगातार यहाँ पर डटे हुए और इनकी बात को सुनने, इनकी जो जायज मांगे हैं इनको सुनने, इनका मांग पत्र लेने के लिए कोई नहीं आया। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। काश अगर आप सत्ता में होते तो क्या स्थिति होती। आप समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 के बीच में चली, आपने देखा होगा कि विकास के मामले में किस तरीके से धार दे करके अखिलेश यादव जी ने पूरे क्षेत्र का चमुखी विकास कराया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहला का बना खड़ा हुआ है, बाबूपुर का सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा खड़ा हुआ है, तमाम ऐसे और भी योजनाएं समाजवादी सरकार में नरेंद्र सिंह वर्मा जी के प्रयासों से बनी थी, आज वो सभी की सभी बंद पड़ी हुई हैं। उसमें डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, विद्यालयों में टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि समाजवादी सरकार जैसे गई वो सारे कामों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार और सिस्टम ने ताला लगा दिया। कुछ और कहना चाहेंगे जो मजदूर संघ का। मेरी प्रथम और केवल एक मांग है।